नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्रू ड्राइवर्स के बारे में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, किस मटेरियल से बना होता है, इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में जानेंगे और हर एक टाइप्स का यूज के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं स्क्रू ड्राइवर क्या होता है। तो दोस्तों स्क्रू ड्राइवर एक हैंड टूल होता है जिसका यूज हम लोग जब हमें किसी स्क्रू को टाइट करना होता है या लूज करना होता है तब हम लोग करते हैं। ये अलग अलग लेंथ में पाया जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे इसका लेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रू ड्राइवर देख सकते हैं। तो यहाँ से ठीक है हैंडल का एंड से टिप तक का जो लेंथ होता है, ठीक है टिप तक का जो लेंथ होता है ये आपका स्क्रू ड्राइवर का लेंथ कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो पहला टाइप्स हमारा क्या है, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर लाइट ड्यूटी, यानी ये लाइट ड्यूटी के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इट इज ऑफ राउंड सेंक ब्लेड विथ मेटल। तो इसका जो ब्लेड होता है या फिर सेंक होता है ये मेटल से बना होता है, लेकिन इसका शेप किस तरह से होता है, इसका शेप राउंड होता है, यानी इसका जो सेंक होता है ये राउंड शेप का बना होता है और इसका हैंडल बना होता है वुड या मोल्डेड या इंसुलेटेड मटेरियल हैंडल, या तो ये आपका लकड़ी से बना होता है या फिर मोल्डेड। मोल्डेड कहने का मतलब क्या है, इसको मोल्डिंग प्रोसेस से बनाया जाता है, यानी किसी मेटल को पिघलाकर ठीक है उसको सॉलिडिफाई करके जो बनाया जाता है इसी को मोल्डेड कहा जाता है। और इंसुलेटेड मटेरियल हैंडल कहने का मतलब इसमें से आपका करेंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इंसुलेटेड मटेरियल कहने का मतलब जो भी मटेरियल होगा जिससे क्या होगा करेंट फॉलो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर हैवी ड्यूटी, यानी इसका यूज हैवी ड्यूटी के लिए किया जाता है। तो इसमें जो आपका सेंक होता है या फिर ब्लेड होता है ये स्क्वेयर फॉर्म में होता है। ये जो आपका ब्लेड होता है ये इस तरह से स्क्वेयर फॉर्म में होता है और इसमें हम लोग स्पिनर का यूज करके इसको ज़्यादा घुमा सकते हैं, ज़्यादा फोर्स लगा करके जब हम लोग को ज़्यादा टाइट करना होता है तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पिनर का यूज किया गया है। तो स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर हैवी ड्यूटी में क्या होता है, ये स्क्वायर शेप का बना होता है जिसमें हम लोग स्पिनर लगा कर इसको ज़्यादा रोटेट कर सकते हैं, ज़्यादा फोर्स इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर लॉन्डन पैटर्न। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए ये आपका फ्लैट शेप का बना होता है, ये आपका लॉन्डन पैटर्न स्क्रू ड्राइवर है, ये फ्लैट शेप का बना होता है और इसका यूज ज़्यादातर कारपेंटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कारपेंटर यानी जो लकड़ी का काम करता है उसे कारपेंटर कहा जाता है। तो ये कारपेंटर के द्वारा ज़्यादातर यूज किया जाता है, किसके लिए, फिक्सिंग और रिमूविंग वुड स्क्रू। जब वुड स्क्रू को फिक्स करना हो यानी लगाना हो या फिर खोलना हो तो कारपेंटर द्वारा हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर लॉन्डन पैटर्न का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, दीज आर मेड विथ क्रूसीफॉर्म टिप्स। तो ये आपका इसमें जो टिप्स बना होता है यानी जो नीचा हिस्सा, निचले का जो निचला हिस्सा होता है ये क्रूसीफॉर्म टिप्स होता है, यानी क्रॉस शेप का होता है। ठीक है, ये आपका क्रॉस शेप का इसमें टिप्स बना होता है। देट आर अनलाइकली टू स्लिप फ्रॉम द मैचिंग स्लॉट। तो जो हम लोग स्क्रू जिस स्क्रू के ऊपर हम लोग इसको लगाएंगे तो इसमें काफ़ी कम चांसेस होता है स्क्रू ड्राइवर का फिसलने का। फिलिप्स रिसेस हेड स्क्रू आर शोन इन फिगर 8। यानी जो हमारा फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर होता है इसका यूज किस में, किस स्क्रू में किया जाता है, फिलिप्स रिसेस हेड स्क्रू आप यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यह हमारा फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का सिंक है। इसका जो निचला हिस्सा है ठीक है ये इस तरह से बना होता है, ये आपका क्रॉस फॉर्म में बना होता है। इसको स्पेसिफाई किया जाता है इसका पॉइंट से, है ना। पॉइंट कहने का मतलब क्या है, देखिए ये जो यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं ठीक है ये जो आपका पॉइंट साइज है इससे हम लोग स्क्रू ड्राइवर को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, अलग अलग इसका पॉइंट साइज होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, यह इसका पॉइंट साइज होता है, इससे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। यानी अगर मान लीजिए हम लोग को मार्केट में ख़रीदना होगा फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि पॉइंट साइज 1 का स्क्रू ड्राइवर दीजिए, पॉइंट साइज 2 का स्क्रू ड्राइवर दीजिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर।
तो देखिए ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, दीज आर यूजफुल इन सम सिचुएशन वेयर द नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर कैन नॉट बी यूज बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द हैंडल, दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर अप्लाइंग ग्रेटर टर्निंग फोर्स। तो हमारा जो ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर होता है वो इस तरह का होता है, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं इस तरह का स्क्रू ड्राइवर होता है। तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पर हम लोग नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये फिगर को देख सकते हैं, इस तरह से मान लीजिए हम लोगों को किसी स्क्रू को फिट करना होगा, ठीक है, किसी स्क्रू को फिट करना होगा, तो हम लोग नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो हैंडल होता है यानी उसको जब हम लोगों को लगाना होगा तो हम लोग इस तरह से लगा सकते हैं, ऊपर से लगा सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर हम लोग नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर को यूज नहीं कर सकते हैं वहाँ पर हम लोग ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं, ठीक है। यानी इस तरह का अगर जगह रहेगा जहाँ पर आपको अंदर में स्क्रू को फिक्स करना होगा या फिर लूज करना होगा तो वहाँ पर हम लोग ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं, ठीक है। एक हमारा क्या है, रैचेट ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर आप टिप देख सकते हैं, तो ये अलग अलग साइज का टिप होता है, तो हम लोग जो स्लॉट बना होगा स्क्रू में उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस टिप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों स्क्रू ड्राइवर को स्पेसिफाई किया जाता है आपका लेंथ ऑफ द ब्लेड, ठीक है, ब्लेड का लेंथ से। तो ब्लेड का लेंथ हम लोगों ने पढ़ लिया था कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ब्लेड का जो लेंथ होता है वो कितना होना चाहिए, देखिए वो आपका होता है रेंज में पाया जाता है 45 mm से 300 mm। नेक्स्ट क्या है, विड्थ ऑफ द टिप, टिप का चौड़ाई से, तो टिप का चौड़ाई का रेंज क्या है, 3 से 10 mm। अब हम लोग समझ लेते हैं टिप का चौड़ाई मतलब क्या है, देखिए टिप का चौड़ाई मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं बी से इंडिकेट किया गया है, ये आपका क्या है, विड्थ ऑफ द टिप, टिप का चौड़ाई, और लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, देखिए लेंथ को इंडिकेट किया गया है ए से, क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो ब्लेड होता है, ब्लेड किससे बना होता है, हम लोगों ने हैंडल के बारे में देख लिया था, हैंडल किससे बना होता है, या तो लकड़ी से बना होता है या फिर मोल्डेड मटेरियल से बना होता है या फिर इंसुलेटेड मटेरियल से बना होता है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए जो हमारा ब्लेड होता है वो कार्बन स्टील से बना होता है, जो स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड होता है ये कार्बन स्टील से बना होता है या एलॉय स्टील से बना होता है, जिसके ऊपर क्या किया जाता है, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, दो आपका हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। हार्डनिंग क्यों किया जाता है, जो आपका ब्लेड होगा उसको हार्ड बनाने के लिए, और टेम्परिंग किया जाता है जब हम हार्ड करते हैं, जब हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें ब्रिटलनेस आ जाता है, तो उसी ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम लोग उसके ऊपर टेम्परिंग करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट कुछ स्पेशल टाइप के स्क्रू ड्राइवर भी होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए स्क्रू ड्राइवर फॉर स्पेशल यूज, स्मॉल स्टडी स्क्रू ड्राइवर्स आर अवेलेबल फॉर यूज वेयर देयर इज लिमिटेड स्पेस। तो जहाँ पे काफ़ी कम स्पेस होता है तो वहाँ पर इस तरह का स्क्रू ड्राइवर का यूज किया जाता है, ठीक है। ये स्क्रू ड्राइवर आपका, इसका आप साइज देख सकते हैं काफ़ी छोटा है, तो इस तरह का स्क्रू ड्राइवर का यूज कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे आपका लिमिटेड स्पेस होता है, काफ़ी कम स्पेस होता है। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का जो स्क्रू ड्राइवर होता है इसका यूज इलेक्ट्रिशियन के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या, देखिए ब्लेड के ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है, ठीक है, यानी किसी रबड़ जैसा, ठीक है, इसके ऊपर आपका आप बेट में देखे होंगे, ठीक है, अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे तो ग्रिपिंग के लिए क्या होता है, जो बेट का हैंडल होता है उसके ऊपर रबर का आपका बेल्ट चढ़ाया जाता है, उसी तरह से इसके ऊपर एक इंसुलेशन लगा होता है, यानी ये जो इंसुलेशन होता है इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्राइवर का ब्लेड को फिट करते हैं, ठीक है। इस तरह का स्क्रू ड्राइवर का यूज आपका इलेक्ट्रिशियन के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।